हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस टॉपिक वी विल रीड अबाउट वेक्टर क्वांटिटीज, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं? ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, सभी ने पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं कि वेक्टर देखो होता कैसा है। अब वेक्टर इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो व्हिच हैज अ टेल एंड अ हेड। दो पार्ट होते हैं वेक्टर के। सपोज मैंने कहा वेक्टर ए बी, तो डिनोट कैसे करेंगे? ए बी और ऊपर एक छोटा सा एरो लगा देना है, दिस इज वेक्टर ए बी, ठीक है। सो ए इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा और बी इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। अभी तो सिंपल नोटेशन हो गया। सबसे कॉमन वेक्टर जो आप पढ़ोगे फिजिक्स या कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में, वो है पोजिशन वेक्टर। तो सपोज आई हैव दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, 3 एक्सिस मान लेते हैं, और तो मैं 2 ड्रॉ कर रहा हूं, चलिए मैं 3rd भी ड्रॉ कर रहा हूं, एक्स वाई है जेड, कई बार जेड यहां रहता है, वाई यहां रहता है, आपकी मर्जी। नाउ सपोज आई हैव एन ऑब्जेक्ट प्लेस समवेयर इन स्पेस। अब क्योंकि मेरा बोर्ड 2 डायमेंशन है तो एक्स वाई प्लेन में दिख रहा है, बट वो एक्स वाई प्लेन नहीं, स्पेस में है, मतलब उसमें तीनों चीजें प्रेजेंट है, एक्स एक्स भी प्रेजेंट है, वाई भी प्रेजेंट है और जेड भी प्रेजेंट है। अब ए के मान लो कोऑर्डिनेट सपोज किसी ने दे दिया एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ऐसा दे दिया एक कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वेक्टर को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेक्टर को, हमेशा ओरिजिन से ये आपका यहां क्या ओ ए इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। अब एक्स एक्सिस के अलावा अगर अपन बात करें, सब उसको एक्स ना लेके मैं ए ले लेता हूं, ए बी सी ज्यादा सही रहेगा, ए बी सी इसके कोऑर्डिनेट है। एक्स एक्सिस के अलोंग एक यूनिट वेक्टर होता है जिसको अपन बोलते हैं आई। अब सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो 1। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया तो उसको क्यों यूज कर रहे हैं? उसको अपन यूज करें डायरेक्शन बताने के लिए। तो अगर किसी भी नंबर के आगे आई लिखा है, मतलब वो वैल्यू कहां डायरेक्टेड? टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस। y एक्सिस के लॉन्ग अपन यूज करते हैं स्मॉल j, ये ऊपर एक हैट लगाते हैं, इसको n कैप भी बोलते हैं। n कैप शो करता है कि ये यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। और z के अलावा आपका वेक्टर है k। तो इस पॉइंट के अगर मैं वेक्टर ये तो सिंपल कोऑर्डिनेट हो गए, अगर मैं वेक्टर में इसके कोऑर्डिनेट लिखूं तो क्या हो जाएगा? ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। Now this is in proper vector notation. A i cap, B j cap, C k cap. इसका मतलब A की value x के along, this object A की value x के along small a है, y के along A की जो value है वो B के बराबर है, और z के along A की जो value है वो C के बराबर है। अब simple सी एक बात आ गई कि भाई ऐसे कैसे position vector कैसे निकाल लें। देखो यहां तो origin है, यहां पे सब कुछ क्या होगा? 0 0 0। अब मान लो मेरे पास कोई पोजीशन वेक्टर है जो 0 0 से चालू नहीं हो रहा, जस्ट सपोज, ठीक है, या सपोज 0 0 से मैं ले लिया, तो देखो ना, जैसे मान लो ये आपका ओरिजिन है, राइट, 3 एक्सिस है, ठीक है, यहां जेड भी है आपका, यहां पर सपोज आपका पॉइंट है, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड, यहां पे आपका पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट है, ये सपोज इसका पोजीशन वेक्टर है यहां पर R1, और R1 की वैल्यू सपोज है 2i प्लस 3j प्लस 5k। अब ये पॉइंट A से पॉइंट B पर मूव कर गया। अब मैं आपको वेक्टर्स का यूज बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं वेक्टर, ठीक है। कहां गया पॉइंट? ये पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोजीशन। अब ये पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ चला गया, इस तरफ B तरफ, तो B का पोजीशन वेक्टर यहां पे आ गया। सपोज ये है R2, R2 विल बी इक्वल टू सपोज कुछ भी इसकी वैल्यू ले, 3i प्लस 4j और इसको ले लो सपोज 3k, जस्ट सपोज। अब किसी ने मुझसे पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट AB, या वेक्टर AB, तो कैसे निकालेंगे? वेक्टर AB का फॉर्मूला होता है वेक्टर B माइनस वेक्टर A। अब यहां पे वेक्टर बी नहीं है तो वेक्टर बी की जगह मैं क्या लूंगा? ओ बी, ठीक है, ओ बी लूंगा, ओ बी इसका पोजीशन वेक्टर,
माइनस ओ ए इसका पोजिशन वेक्टर। ओ बी पोजिशन वेक्टर किसके बराबर है, आर टू के, और उसकी वैल्यू कितनी है, थ्री आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के माइनस ओ ए की वैल्यू कितनी है आर वन, और वो है टू आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के, टू आई प्लस थ्री जे प्लस फाइव के माइनस कर दो, थ्री माइनस टू बचा आई प्लस फोर माइनस थ्री बचा जे और प्लस थ्री माइनस फाइव बचा माइनस टू के। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना आ गया, आई प्लस जे माइनस टू के, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो एक्स के अलोंग वन यूनिट है, कुछ नहीं है तो आगे वन है, ठीक है ध्यान रखना, कुछ नहीं है तो आगे वन है, वाई के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितना है वन है, और जेड के अलोंग डिस्प्लेसमेंट है माइनस टू, मतलब जेड के अपोजिट डायरेक्शन है। अभी तो वेक्टर आ गया, अब किसी ने मुझसे पूछ लिया कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ, क्या बताओ मैग्नीट्यूड। सुनो, अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, और किसी ने मुझसे पूछ लिया कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो सिंपली क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस, इसका मैग्नीट्यूड माइनस टू है, माइनस का स्क्वायर करोगे तो आंसर हमेशा प्लस आएगा, तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। टू का स्क्वायर फोर, फोर प्लस वन फाइव, फाइव प्लस वन सिक्स, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का। तो इस प्रकार से आप किसी भी वेक्टर को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब दो तीन चीजें आप और ध्यान देने वाली, यूनिट वेक्टर बता दूं, यूनिट जैसे मान लो मेरे पास ये वेक्टर ए है, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ए। तो यूनिट वेक्टर कैसा निकालना है, किसी भी वेक्टर को उसके मॉडल से डिवाइड कर दो, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्शन दिखाने के, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर और गिवन वेक्टर दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर आपके एक दो रूल है, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, कोएक्सियल वेक्टर, कोटर्मिनस वेक्टर, नल वेक्टर, है ना। तो ये सब मैथमेटिकल टर्म है, फिजिक्स में आपने बोलना नहीं पड़ना, फिजिक्स हमने बस वेक्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व करते आने चाहिए, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव ऑन टू सॉल्विंग द नेट रिजल्टेंट फॉर्मूला यूजिंग ट्राइंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।